तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने बनाया था एक नेदराइट बीकन, आई मीन जस्ट लुक एट दिस थिंग यार। एंड ऑल्सो गाइस हमने जो है कुछ महीने पहले बनाया था एक फुल डायमंड बीकन भी, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो जाके देख लो। आज हम बनाने वाले हैं एवरी सिंगल बीकन इन माइनक्राफ्ट जो कि पॉसिबल है, प्लस मैं जो है एक सीक्रेट बिल्ड भी बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो यार वीडियो के एंड तक देखना एंड यार एंजॉय दिस वीडियो। तो गाइस जैसा मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एवरी सिंगल बीकन, एंड ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम नहीं लगा है, तो इसी वजह से जो है हम इस वीडियो में एक सीक्रेट बिल्ड भी बनाने वाले हैं जिसका स्टाइल आप चूज कर सकते हो कमेंट में, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना। लेकिन अभी जो है मेरे को देखना है कि मेरे पास जो है नेदर स्टार पड़े हैं नहीं। एक चार नेदर स्टार, ये कहां से आए बे? देख सकते हो भाई मेरे पास लाखों हजारों आयरन पड़े हैं लिटरली। जिनको पता हो नेदराइट बीकन के लिए मेरे को क्रीपर फार्म पे एफके करना पड़ा था, एंड मेरा आयरन फार्म जो है क्रीपर फार्म के साथ ही अटैच है। सो बेसिकली मैं चाहूँ तो मैं हजारों बीकन बना सकता हूँ, इतना आयरन पड़े हैं सीरियसली मेरे पास। तो गाइस बीकन तो हम बना लेंगे, लेकिन बीकन लगाने के लिए जगह भी चाहिए, प्लस मैंने जो है डायमंड और नेदराइट बीकन को भी स्विच कर दिया। आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे ना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। भाई ये क्यों तोड़ दिया मैंने? ओके तो मैं क्या कर सोच रहा हूँ, एक बीकन यहाँ पे लगाऊंगा, एक बीकन इस साइड लगाऊंगा, और एक बीकन जो है इस पोर्टल के पीछे लगाऊंगा, या फिर तीनों इसके पीछे लगा देंगे, आई डोंट नो। अभी तो मैंने ये सोच रखा है, लेकिन ऑल्सो मैंने जो है अभी अपने वर्ल्ड को 1.18 में अपडेट कर लिया है, मैंने 1.18 का कुछ भी नहीं देखा है। सो आई गेस अपने नीचे केव्स में चढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओके ओ भाई साहब ये कहां समुद्र में पटक दिया भाई। ओके 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 भाई साहब ये अंडर वाटर जो है केव है। ओके भाई साहब, ओ भाई ये क्रीपर राम से भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब क्रीपर वगैरह मॉब्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पॉन होंगे भाई, कितना खुला एरिया है। ओ भाई मेरे को नहीं पता था इतना सुंदर होंगे भाई केव से, लुक एट दिस ब्रो। ओ भाई साहब यहाँ पे और वगैरह फैली हुई है, डायमंड वगैरह भी मेरे ख्याल से आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है देखो देखो एक डायमंड ये रहा भाई साहब, यहाँ पे डायमंड तो काफी आसानी से मिली चाहिए। पता हुआ करता हूँ गाइज, जल्दी से जो है एक रेस करते हैं, हाउ मच डायमंड और आई कैन फाइंड विद इन एन आवर। ओके तो गाइज 1 घंटे में हमें मिले हैं 64 डायमंड और, विच इज नॉट बैड। तो माइनक्राफ्ट ने जो है बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करा है रेयर को और कॉमन को, मतलब कि डायमंड की जो सेपरेशन है काफी अच्छी है। मतलब कि मेरे को लगा था मेरे को 2-3 स्टैक मिल जाएंगे तो वो बुरा होता गेम के लिए, दिस इज परफेक्ट मैन, नाइस फॉर माइनक्राफ्ट। तो गाइस गोल्ड बीकन को बनाने के लिए हमें काफी सारा गोल्ड चाहिए होगा, एंड मेरे पास गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। एंड हमने जो है पिछले एपिसोड में गोल्ड फार्म बनाया तो वहां पे जाके मेरे को एएफके करना पड़ेगा। सो आई गेस वहां पे चलते हैं एएफके करते हैं। एंड ऑल्सो गाइस अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दो। मैं 2 लाख सब्सक्राइबर जो है क्रॉस करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, तो सब्सक्राइब कर दो एंड यहाँ जल्दी से जो है अपने गोल्ड फार्म पे जो है एएफके करते हैं। ओके तो गाइज मैंने जो है जितना एफ करना था सारा कर लिया है, लेकिन अब भी जो है मेरे को 7 ब्लॉक्स और चाहिए। देखो 7 ब्लॉक्स अभी मेरे को और चाहिए, तो थोड़ा सा और एफ करता हूँ एंड फिर जाके जो आप लोगों के सामने जो है क्राफ्ट करते हैं हमारे बचे हुए ब्लॉक्स। ओके तो गाइज मैंने एफ कर तो लिया है, देखते हैं कि वो इनफ होता है नहीं। भाई ये देखो पिगलिन से ऊपर से नीचे मर रहे हैं, तो ओके यहां से निकालते हैं। ओके ओके इसमें इसके अंदर भी पड़े हैं 3 स्टैक, एंड अगर इसके साइड वाले में भी 3 स्टैक। ओके आई गेस जो है हमारा हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे क्राफ्ट करके देखते हैं। ओके भाई हो तो जाना चाहिए अभी। ओके अबे एक ब्लॉक और रहता है, ओ भाई साहब। तो आई गेस गाइज वो ब्लॉक भी जो है मैं कलेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद जो है एमरल्ड बीकन बनाने के लिए आप लोगों को जो है एक छोटी सी टेक्निक दिखाऊंगा जो लाइक पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होगी, सीरियसली बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वो। तो अभी जो है मैं गोल्ड बीकन अपना कंप्लीट कर ही लेते हैं एंड उसके बाद हमारा एमरल्ड बीकन बनाने चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस एमरल्ड बीकन बनाने से पहले मैं जो है अपने नेदर हब का यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ। यस फाइनली हम जो है अपने नेदर हब को ठीक करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं तुम लोगों से जो है वॉच टाइम निकलवा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे को पता है इन बीकन्स को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं सोचा कुछ और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं इस वीडियो में। एंड ऑल्सो गाइज, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को टाइम नहीं लगने वाला, मेरे को स्टिल इस वीडियो को बनाने में 20 आवर्स लग गए थे। या तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की आदत लग चुकी है या फिर मैं पागल हो चुका हूँ। तो भाई ये देखो भाई, मैंने सारी डिगिंग कर ली एंड ये देखो भाई, ऊपर से सारा बेडरॉक से खाली कर दिया एंड पूरा जो है इसको सर्कल बना दिया। मेरे को जो है कुछ सर्कल से ज़्यादा ही प्यार है, यू नो, मेरे कुछ पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं सर्कल्स देख के। तो गाइज, मैं जो है नेदर हब को थोड़ा सा जो है लश केव्स का लुक देना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को जो है लश केव्स ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए गाइज, मैंने जो है नेदर में ट्रैवल करा 3000 ब्लॉक्स एंड 3000 ब्लॉक्स जाके जो है मैंने अपना एक पोर्टल बनाया। एंड अगर यहाँ पे मैथ करूँ तो मैं अब आ चुका हूँ यहाँ पे कुछ 30,000 ब्लॉक्स दूर। तो यहाँ पे जाएगा गाइस, हम अपना अजेलिया ट्री ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना जो है लश केव्स को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेट, नो 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 भाई, मैं भूल गया, ये पाउडर स्नो है। ओ भाई 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 भाई, एक सेकंड, मेरे पास टोटम तो है पर फिर भी भाई, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शायद मैं बच सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई आराम से क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, ओ भाई मैं मर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये भाई, ओए 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 भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा, कहीं से जगह मिल जाए, कहीं से जगह मिल जाए भाई भाई। ओके ओके ओके, इसको तोड़ सकता हूँ मैं, इसको तोड़ सकता हूँ। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, फाइनली बच गया भाई। भाई तुम्हें पता है कितनी खतरनाक है भाई ये पाउडर स्नो, सीरियसली ब्रो। बट यहाँ मेरे को बकेट ऑफ पाउडर स्नो मिल चुके, दैट्स गुड, कुछ तो अच्छा हुआ। ओके तो गाइज, मैं नीचे, ओ भाई भाई आराम से, ओ भाई साहब, ये ड्रिप स्टोन की केव मिल चुकी है यहाँ पे। तो गाइज, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जो है मेरे को फाइनली लश केव्स मिल गए। एंड देखो भाई साहब, भाई खूबसूरती हो तो ऐसी, ओ माय गॉड, फेयर एंड लवली भाई साहब, सीरियसली यार, दिस बायम लुक्स गुड। मैंने सीरियसली इस अपडेट को अंडर एस्टिमेट करा था, लेकिन भाई साहब दिस बायम लुक्स गुड गुड। तो अभी जो है मेरे को यहाँ से स्पोर ब्लॉसम वगैरह और काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो भाई वो जल्दी से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर जो है भाई सीधा घर चलते हैं। बस बहुत ज़्यादा हो गया भाई, एक घंटे दो घंटे हो गए मेरे को घूमते घूमते यहाँ पे। ओके तो गाइज, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इधर में वुड क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ वो उस टाइम के लिए। तो मैंने जो है गाइज इन वुड की पहले स्टेयर बनाई, उसके बाद मैंने एंडर पर्ल वाली ट्रिक लगा के नेदर रूफ पे गया, एंड उसके बाद जो है मैंने ट्रैवल करके होम पे आ गया, घर पे आ गया सॉरी। तो इसके बाद जो है गाइज, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा जो है डीप स्लेट कलेक्ट करना है बिल्ड के लिए, तो जल्दी से जो है डीप स्लेट भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो आई गेस गाइस, हमारे पास जो है यस इनफ डीप स्लेट हमारे पास हो चुका है। तो गाइस अब इसको लेके चलते हैं अपने नेदर हब में और यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। प्लस मैं जो आपको इस टाइम लैप्स के बाद में बताऊंगा कि आप जो है इस नेदर हब का स्टाइल कैसे चूज कर सकते हो, लेट्स गो। ओके तो गाइज, आपने देख लिया होगा कि मैंने जो है साइड में अपना जो है एक लश केव वाला कॉर्नर बना दिया है। ऐसे ही जो है यहाँ पे तीन कॉर्नर्स और बचे हुए हैं, एंड देखो भाई क्या सही लग रहा है देखने में। एंड ऑल्सो गाइज, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जो है आपके साइड में तीन कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मैं कौन सी बायोम बनाऊँ आप नीचे जाके कॉमेंट करके अभी बताओ। एंड या भाई देखो क्या सही लग रहा है देखने में, एंड अभी कॉमेंट करके बताओ कि भाई सच में कौन सी बायोम हमें बनानी चाहिए सारे कॉर्नर्स में। एंड ऑल्सो इस वीडियो को रेट करना आउट ऑफ 10 एज वेल। एंड या चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मजाक कर रहा हूँ। ओके तो अभी जाएगा चलते हैं एमरल्ड बीकन बनाने और अपने सारे के सारे बीकन जो है कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 27 तो ब्लॉक्स ही हैं, लेकिन आप लोगों को जो है मैं खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा फास्ट एमरल्ड मिल जाएंगे। लाइक कोई फार्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है एक पिलेजर आउटपोस्ट पे, वहां पे आपको जो है कैप्टन पिलेजर होता है जिसके ऊपर बैनर लगा होता है, उसको 5 बार मारना है जिससे जो आपको इफेक्ट मिल जाएगा बैड ओमन 5 का। उसके बाद आपको रेड ट्रिगर करने है, उस रेड को हराना है जिससे आपको इफेक्ट मिलेगा हीरो ऑफ द विलेजर 5 का। अब इस इफेक्ट से होता क्या है कि जैसे आप एक विलेजर से एक बार ट्रेड करते हो उसके बाद जो है वो ट्रेड एक्सेप्ट नहीं करता, ये इफेक्ट अगर आपके पास होगा तो आप जो है एक दिन में ही एक माइनक्राफ्ट डे के अंदर ही विलेजर से 5 बार ट्रेड कर सकते हो जिससे जो है मतलब कि एमरल्ड आपको काफी जल्दी मिल जाएंगे। सो बस ये ट्रिक लगानी है और उसके बाद जो आप काफी ज्यादा एमरल्ड कलेक्ट कर सकते हो विद इन लाइक मिनट्स यार सच में। ओके तो गाइस अब मेरे को बस कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे आना है और मेरे को जो है बस यहाँ पे अपने जो नीचे विलेजर्स हैं इनसे ट्रेडिंग करनी है काफी देर। ऑलरेडी मेरे पास हीरो ऑफ द विलेजर 5 का इफेक्ट तो है, ये एक दिन में मैं इनसे 5 बार ट्रेड कर पाऊंगा एंड आयरन है मेरे पास एंड वुड वगैरह भी काफी पड़ा है। तो यह भाई बस अब लगते हैं काम पे और फिर फिनिश करते हैं अपने सारे के सारे बीकन इन माइनक्राफ्ट। तो गाइस हमने सारे बीकन जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, लेकिन उनके सजाने के लिए अभी मेरे को जो है एमेथिस्ट शार्ड चाहिए जो कि मैं हर एक बीकन की बिल्ड में यूज़ करता हूँ। तो गाइस ये देखो ये रहे एमेथिस्ट जियोड एंड इनके अंदर जो है आपको ये तीखे तीखे दिख रहे हैं ये होते हैं शार्ड एंड यही मेरे को कलेक्ट करने हैं। एंड एक जो है मेरे बेस के पास भी है, यहाँ से इतना कुछ खास नहीं मिल रहा तो अपने बेस वाले के पास में जाके देखते हैं कि अब तक वहाँ पे जो है हों काफ़ी सारे। ओ भाई साहब लॉटरी लग गई भाई, अब तुम सोच रहे हो कि इतनी जल्दी और इतने सारे के यहाँ पे किस तरीके से ग्रो हो गए। एक्चुअली रीज़न इसका ये है कि ये जो जियोड है मेरे बेस के डायरेक्टली नीचे है तो यहाँ पे जो है मतलब ये ग्रो होते रहते हैं यहाँ पे जो इनके ब्लॉक्स पे। ओ भाई साहब भाई लॉटरी लग गई, तो चलो भाई मेरे को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं से मिल जाया करेंगे मेरे को एमेथिस्ट शार्ड्स वगैरह। तो गाइस अब ये जो है कलेक्ट कर लेता हूँ मेरे को जितने चाहिए और तो गाइस अपने जो है बीकन के स्टैंड वगैरह बना देते हैं पेडिस्टल जिस पे बीकन को बनाएंगे। भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज। भाई मेरे को लगा था कि एक एपिसोड बच जाएगा डेजर्ट में जाए बिना, भाई मेरे पास एक सैंड भी नहीं बचा, लाइक एक ग्लास भी नहीं है और मेरे को लाइक सच में दोबारा से डेजर्ट में आना पड़ गया। भाई एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहता हार्डकोर का जिसमें मैं इस डेजर्ट में ना आऊँ। भाई सीरियसली यार मैं ये मेरा मिशन एक्चुअली, मैं अगर जिनको अभी तक नहीं पता चला इस डेजर्ट को मैं सीरीज एंड होने से पहले जो है तबाह करके छोड़ूंगा भाई सच में, ये नहीं बच रहा भाई। अभी जो है मेरे को सिर्फ एक स्टैग ही चाहिए, तो जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ ग्लास को, स्मेल्ट कर लेता हूँ, अपने बीकन बनाते हैं, बस बनाते हैं भाई बीकन अपने, हो गया आप तो बहुत। तो गाइज हमारे पास आ चुके हैं सारे ब्लॉक्स, तीनों मेरे पास इस टाइम बीकन भी हाथ में। तो गाइज अब लगाते हैं अपने ब्लॉक्स और फाइनली ख़त्म करते हैं हमारे बीकन सागा को। और मे बी नॉट मेरे पास एक और बीकन से रिलेटेड आइडिया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर सकता हूँ, पर अभी जो है अपना पहले तो आयरन बीकन बनाते हैं। भाई वो कतई स्पीड देखो भाई मेरी, क्या ही कतई फ्लैश हो रहा हूँ मैं तो। ओके सब तो छोड़ो, एंड ऑल्सो गाइज इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आई मीन ज़्यादा क्या 20 घंटे सच में लग गया सच में, मतलब सोचने लायक तो टाइम है 20 घंटे। तो प्लीज़ यार अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इन वीडियोज़ में, लाइक एडिटिंग में ही मेरा पूरे दिन चले जाते हैं। सो आई गेस अब भाई आयरन बीकन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज ये बनाते हैं अपना गोल्ड बीकन और यहाँ पे बन रहा है भाई पहली स्टेज में बनाते हैं। ऑल्सो गाइज जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही है। तो गाइज ये बन चुका है हमारा गोल्ड बीकन भी एंड अब बनाते हैं फाइनली हमारा एमरल्ड बीकन। ओके तो गाइज अब बनाते हैं हमारा एमरल्ड बीकन भी यहाँ पे एंड भाई खत्म करते हैं हमारे बीकन सागा को। और मे बी नॉट, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे पास एक और आइडिया है जो कि मैं कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। सो गाइज यहाँ पे बन रहा है हमारा एमरल्ड बीकन भी, लाइक भाई डेफिनेटली इस बीकन को बनाने में एक्चुअली में टाइम लग गया, लाइक आयरन बीकन को बनाने में 2 मिनट लगे थे मेरे, गोल्ड को बनाने में मेरे को 3 घंटे लगे थे। इसका मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर
करी थी, लेकिन फिर भी भाई इसमें मेरे को ये पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे बन चुके हैं हमारी सेकंड लेयर भी, ओके। एंड ये रही हमारी थर्ड लेयर जो कि बस ऑलमोस्ट फिनिश यहाँ पे हो चुकी है, ओ भाई साहब। एंड गाइज ये रही हमारी लास्ट लेयर एंड ये बन चुका है हमारा एमरल्ड पीक। तो गाइज ये थी स्टोरी ऑफ हाउ आई क्रिएटेड एवरी सिंगल बीकन इन माइनक्राफ्ट, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को लगा था नेदराइट बीकन को बनाने में, जिसमें मेरे को 5 महीने लग गए थे। आपकी स्क्रीन पे उसकी वीडियो आ रही होगी, प्लीज जाके देखो। एंड यार मिलते हैं, सी यू, गुड बाय बॉयज।